फ्रेंड आज है 2 अक्टूबर 2019। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर स्काई स्ट्रगल एजुकेशन चैनल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। प्रश्न एक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है ए 30 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर, डी 3 अक्टूबर। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर ऑप्शन क्या होगा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ संबंधियों को सम्मान दिया जाता है। पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। प्रश्न दो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार 2019 किसने जीता? ऑप्शन ए है कविता गोपाल, बी श्रेया कुमारी, सी आरती प्रेरणा, डी जूही सिंगर। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कविता गोपाल। ये देखिए यहाँ पर एक कविता गोपाल हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार जीता है। 16 साल में पहली बार किसी लड़की ने यह अवार्ड जीता है। कविता गोपाल आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस की बीटेक स्टूडेंट्स हैं। कविता गोपाल ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया मेमोरियल प्राइज और रविचंद्रन मेमोरियल प्राइज जीता है। प्रश्न तीन है, महिला भाला फेंक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए है स्वप्ना बर्मन, बी दीपा मलिक, सी अनुरानी, डी सीमा पुनिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अनुरानी। ये देखिए भाला फेंक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अन्नू रानी हैं। प्रश्न फोर है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी 30 सितंबर। तो ऑप्शन यहाँ ए सही होगा, 1 अक्टूबर। भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। भारत विश्व की कुल 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील करता है। भारत में कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक हैं। प्रश्न पाँच है, मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन ए है संजय दत्त, बी रणबीर कपूर, सी अभिषेक बच्चन, डी संजय कपूर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संजय कपूर। ए हैं संजय कपूर, इन्हें मोस्ट इंस्पायरिंग इंडियन बॉलीवुड एक्टर का अवार्ड दिया गया है। प्रश्न सिक्स है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर कितने किलोग्राम का प्लास्टिक चरखा बनाया गया है? ऑप्शन ए है
1000 किलोग्राम, बी 1510 किलोग्राम, सी 1650 किलोग्राम, डी 2050 किलोग्राम। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1650 किलोग्राम। ये देखिए यहाँ पर एक चरखा है जिसे प्लास्टिक से बनाया गया है और इसका वजन 1650 किलोग्राम है। यह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर यहाँ पर प्रदर्शनी इसका किया जाएगा। प्रश्न 7 है, भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बंद होगा? ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 5 अक्टूबर, डी 3 अक्टूबर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2 अक्टूबर को। सिंगल यूज प्लास्टिक को केंद्र सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया है, यह 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा, यानी 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाएगा। प्रश्न 8 है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारतीय सेना कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए है पहले स्थान पर, बी 7वें स्थान पर, सी 5वें स्थान पर, डी 4थे स्थान पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4थे स्थान पर। ये देखिए भारत की सेना इस समय विश्व में 4थे स्थान पर पावरफुल है और पाकिस्तान की सेना इस समय 15वें स्थान पर है। पाकिस्तान और भारत की सेना में काफ़ी अंतर है और रूस दूसरे स्थान पर है, चाइना तीसरे स्थान पर है। आप कमेंट में करके बताएंगे प्रथम स्थान पर कौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की किस सरकार ने 19 प्रकार के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है भारत सरकार, बी अमेरिकी सरकार, सी जापान सरकार, डी सऊदी अरब सरकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सऊदी अरब सरकार। ये देखिए यहाँ मैप में सऊदी अरबिया है और ये सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद सलमान। और यहाँ पर जैसे 19 प्रकार के उल्लंघनों पर जुर्माना लगाया गया है, जैसे तेज़ आवाज़ में गाने बजाना, पालतू जानवरों के मल मूत्र नहीं उठाने पर और सड़कों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, साथ ही यौन व्यवहार समेत नैतिकता के विपरीत व्यवहारों को भी जुर्माने की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस खिलाड़ी को हराकर ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर क्ले इवेंट जीत लिया है? ऑप्शन ए है लियंडर पेस, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविक, डी फैंटोकुंडो बैगिंस। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, फैकुंडो बैगिंस। ये देखिए सुमित नागल जी हैं, सुमित नागल कैरियर के बेस्ट 135वीं रैंक पर पहुंच गए हैं और सुमित नागल ने फैकुंडो बैगिंस को हराकर ब्यूनस आयर्स एटीपी चैलेंजर क्ले इवेंट जीत लिया है। प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे यानी शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 सितंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 1 अक्टूबर, डी 3 अक्टूबर। तो ऑप्शन एक सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, 1 अक्टूबर। ये देखिए वर्ल्ड वेजिटेरियन डे का यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर मीन्स पशुओं को नहीं मारना है, सिर्फ शाकाहारी चीज़ों को हमें खाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, बी 2 अक्टूबर, सी 3 अक्टूबर, डी
30 सितंबर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जयंती यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ट्रेन के विलंब होने पर IRCTC यात्रियों को हर्जाना देगा? ऑप्शन ए है वंदे भारत, बी तेजस एक्सप्रेस, सी श्रमजीवी एक्सप्रेस, डी शताब्दी एक्सप्रेस। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, तेजस एक्सप्रेस। ये देखिए तेजस एक्सप्रेस का इमेज है और यहाँ से पहली बार रेलवे विभाग मीन्स IRCTC ने यह निर्णय लिया है कि यदि यह ट्रेन स्टेशन पर लेट पहुँचती है तो यात्रियों को हर्जाना दिया जाएगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।